तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ भाई, इतना क्यों हंस रहे हो? अरे अभी जोक बताया ना। भाई जोक नहीं, वो सीरियसली बोल रहा था मैं। चलो भाई अब्दुल मियां सोडा पिला दो। पिला पिला भाई पिला। देख रहा डॉक्टर? नहीं नहीं अब्दुल तो अंदर नहीं है। कहाँ गया अब्दुल, कहाँ गया? ये देखो मता साहब कैसा भोला बन रहा है, बोल रहा है अरे कहाँ गया अब्दुल। अरे तूने खुद उसको अपने किसी काम के लिए भेजा और बोल रहा है कहाँ गया अब्दुल। मैं क्यों अब्दुल को भेजूंगा? क्यों आज सुबह नहीं भेजा था वो चेक लाने के लिए? अरे तुम तो जानते हो ना जेठाला, सो मेरी क्या हालत थी, मैं ऑनलाइन क्लासेस में था, वो टपोसरा ने चेक गवाया था तो मैं जा नहीं सकता था, इसलिए अब्दुल को भेजा था। वो जो भी है भेजा था कि नहीं? अच्छा अभी बता अभी कहाँ भेजा उसको? अरे मैंने कहीं नहीं भेजा उसे भाई, मैं फोन करके पूछता हूँ ना कहाँ है अब्दुल। क्या हुआ? वो नहीं लग रहा उसका। तो फिर ये आज का सोडा पीना कैंसिल? अरे नहीं नहीं भाई कैंसिल क्यों, मैं हूं ना। मैं हूं ना मतलब तुम्हें सोडा बनाना आता है? तुम बनाओगे सोडा? नहीं नहीं मैं बनाऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा कौन बनाएगा। अच्छा ओहो तुम बताओगे कौन बनाएगा, बताओ। अपना भिड़े है ना, माजी भाभी ने मुझे कई बार बताया कि भिड़े मस्त नींबू पानी बनाता है, तो भाई भिड़े आज हम सबके लिए मस्त नींबू सोडा बना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओए बब्बू वैसे तो पेड़ू इस्त्री भी अच्छी करता है, तो कल से क्या ये सबके कपड़े इस्त्री करेगा? खैर छोड़ो हंसी मजाक छोड़ो, बेटे ये बता तुम हमारे लिए सोडा बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? हाँ। ओए पेड़ू वो सोच कह रहा है वो यारों के लिए सोडा नहीं बनाएगा। ठीक है बनाता हूँ। अरे हाँ मान गया भाई मान गया। लेकिन सबको सोडा के पैसे देने पड़ेंगे, क्या है हम लोग अब्दुल का सामान इस्तेमाल करेंगे तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ दे देंगे। हाँ तो देंगे ना भाई, मना कौन कर रहा है पोपटलाल। अरे भाई जेठालाल मुझे क्यों बोल रहे हो, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। नहीं तो फिर ये भिड़े तेरी ओर तक क्या क्यों ऐसा बोला कि पैसा देने पड़ेंगे? वाह भिड़े मुझे देख के क्यों बोल रहे हो? अरे मैंने कब तुम्हारी तरफ देखा पोपटलाल, मैं तो जनरल देख रहा था। अरे भाई जाहिर सी बात है अब्दुल की दुकान पे बैठ के सोडा पी रहे हैं तो पैसा तो देंगे ना। देंगे देंगे, लेकिन सोडा भी अब्दुल के सोडे की तरह कड़क होनी चाहिए। हाँ ना होता बनाएगा भाई मस्त बनाएगा, तू नहीं तो बोला ना भाई कि माधवी बापी ने कहा कि बढ़िया बनाता है। अच्छा मैं और क्या कह रहा हूँ, सोडा का पैसा तो हम देंगे लेकिन एक्स्ट्रा सब लोग एक एक रुपया भिड़े को भी देंगे। क्यों? अरे भाई उसकी मेहनत लगेगी ना भाई नींबू सोडा बनाने में। बिल्कुल ठीक है मैं सोडा बनाऊंगा लेकिन एक शर्त पे। क्या क्या? जेठा तुम मेरी मदद करो। अरे और पॉकेट में नहीं, जो मुझे एक रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाला ना सबसे उसमें से 25 पैसे मैं तुम्हें दूंगा। नहीं नहीं 25 पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन सोडा बनाने में तुझे क्या मदद चाहिए? जेठालाल वो तुमको आत्माराम बताएगा, तुम जाओ तो सही बन जाओ उसका छोटू। हाँ जेठा भाई प्लीज सोडा पीने का बहुत मन है, जाके हेल्प करिए ना। ओ जेठा ब्रा वो इतना क्या सोच रहा, वो दोस्तों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अरे दोस्तों के लिए तो जान आ चीज है, सोडा क्या चीज है? ए ओ इना गल हां चला मैं छोटू को तलब लगी है सोडा की। हां चल आ आओ आओ चल। बोलो क्या मदद चाहिए? हां मदद एक मिनट। हां अब लग रहे हो परफेक्ट छोटू। सबसे पहले तो ये इसमें से ये 3 नींबू है ये आधे आधे काट के दो, ठीक है? छोटू नींबू काट के हो गए? हाँ हो गया साहब। हाँ अभी नीचे से जरा सोडा दे दो। बहुत छोटू छोटू कर रहा है ना, अभी देख क्या छोटा सा मोटू क्या करता है। दो जल्दी छोटू। हाँ हाँ एक मिनट। हाँ लो या 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 या
क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ जेठालाल जानबूझ के सोडा हिला के दिया ना मुझे छोटू छोटू जेठा भाई जेठा भाई आप तुम ऊपर क्या कर रहे हैं अरे भाई अब्दुल तुम दुकान पे थे नहीं तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था और सबको पीना था सोडा तो ये लोग सोडा बना रहे चलो मैं आ गया हूँ अब मैं सोडा बना के देता हूँ मस्त सोडा बनी हमेशा जैसा वैसे तो आज हम सबके सोडे का बिल कायदे से भिड़े को देना चाहिए तू मैं क्यों दूंगा भाई अरे सबसे पहले तो तेरा आज 35,000 का नुकसान होने से बच गया दूसरा तूने आज जो टप्पू सेना की परीक्षा ली थी उसमें दे ऑल पास्ट विद फ्लाइंग कलर्स क्या बोल रहे अरे सब उड़ते रंगों से पास हो गए वो शाब्दिक अनुवाद कर रहा है फ्लाइंग कलर्स मतलब बहुत अच्छे अंकों से प्राप्त तो भाई पार्टी तो बनती है ना बिल्कुल बनती है नहीं नहीं बिल्कुल पार्टी तो बनती है सच कहूं तो आज मेरे लिए गर्व का दिन मेरी शिक्षा व्यर्थ नहीं गई मेरी टप्पू सेना गलत रास्ते पे नहीं भटकी अब्दुल आज सबको सोड़ा मेरी तरफ से ओ नहीं यारो नहीं ओ आज का सोड़े का बिल मेरी तरफ से ओ पिलू आज तक तुझे एक जरूरी बात के लिए कभी थैंक यू नहीं बोला कौन सी बात के लिए सोड़ी हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा इंसान बनाने के लिए कभी थैंक यू नहीं बोला सही बात है भिड़े मास्टर तुमने हमारे बच्चों में बचपन से ही शिक्षा की ऐसी मजबूत नींव रखी है कि झूठ की आंधी उसे जरा भी हिला नहीं पाई नहीं बिल्कुल बिल्कुल अरे हम लोग तो माँ बाप लोग क्या है वो काम धंधे की भाग दौड़ में व्यस्त थे लेकिन बचपन से ही हमारे बच्चों का शिक्षण तो तेरे भरोसे ही था और आज देख तूने बच्चों को क्या बना दिया क्या बना दिया जेठा हीरा ओ हाँ हीरा 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 थैंक यू बीड़े मास्टर तुमने हमारे बच्चों को सही रास्ते पे चलना सिखाया सही और गलत में फर्क करना सिखाया सत्य बोलो दिल से बोलो बोलो ना सुंदर झूठ चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ वाह 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 क्या बात बेटे हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सभी बच्चों को तुझ जैसा शिक्षक मिले थैंक यू मेहता साहब वैसे एक अच्छे शिक्षक को अच्छे विद्यार्थी मिलना भी उसके लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है शिक्षा मिलती सभी को है लेकिन उसका पालन करना उसको सीखना ये भी बहुत बड़ी बात होती है जो आज मेरे टप्पू सेना ने किया लेकिन एक बात बड़े जीवन में जितने लोग सफल होते हैं सबकी सफलता के पीछे एक शिक्षक का ही हाथ होता है हाँ। एकदम करेक्ट कहा मेहता साहब आपने मैं अपना सारा टीचर की मेहनत की वजह से ही साइंटिस्ट बन पाया लेकिन सबसे बड़ी विडंबना क्या है मित्रों कि हम जीवन में जब सफल हो जाते हैं सभी को धन्यवाद दे देते हैं लेकिन वो शिक्षक जिसने हमें यहां तक पहुंचाया है उसे धन्यवाद नहीं कह पाते मतलब कई बार मुझे लगता है इतना महत्वपूर्ण काम है शिक्षक का लेकिन कितना थैंकलेस काम है सही बात है नहीं नहीं इसीलिए भाई भिड़े हमारे बच्चों की तरफ से और हम सब माँ बाप की तरफ से दिल से भाई थैंक यू भाई अरे थैंक यू गले मिल दो अरे थैंक यू सच कहूं दोस्तों आज टप्पू सेना ने जो किया है ना वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम आज भिड़े भाई की जीत की खुशी में आज का सोडा फ्री अरे वाह वैसे दोस्तों मेरा भी एक सपना है कि टप्पू सेना जैसे मेरे भी संस्कारी बच्चे हो और उसे भिड़े शिक्षा दे लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही चिंता मत करो पोपटलाल हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारा जल्द से जल्द बैंड बज जाए मतलब शादी हो जाए अरे चलो दोस्तों अभी चलते हैं कल ऑफिस भी जाना है अभी चलो भाई सुबह दफ्तर के लिए अगर लेट हो गए तो बॉस खड़ा होगा शिक्षक की तरह छड़ी लेके और सजा देगा वो मेरे दो माथे का बॉस भाई चलो सही बात है माधवी आज का दिन बड़ा ही उतार चढ़ाव वाला रहा नहीं हाँ लेकिन आखिर में सब अच्छा हो गया रमाकांत का को भी पैसे मिल गए और बच्चों को भी सबक मिल गया
अच्छा माधवी, मैंने जो तुम्हें 35,000 रुपए दिए थे वो संभाल के रखे है ना? हाँ रखे, बालकनी में मस्त तभी की सजा के रखे हैं। घाबरता है, अच्छे से लॉकर में रख दिए मैंने, टेंशन मत लीजिए। माधवी 35,000 रुपए घर में होंगे तो टेंशन तो होगा ही ना? वो 35,000 से भी ज्यादा कीमती सामान है अपने घर में, मंगलसूत्र है, चूड़िया है, कान की बालिया है, आपका ब्रेसलेट है, मतलब 1.5 से 2 लाख का तो सामान। सत्ता लिस्ट बोलने की जरूरत नहीं है, दीवारों के भी कान होते, इसने सुन लिया तो चोरी हो जाएगी। शो का बोलता है, चला जो पात। दरवाजे की घंटी बज रही है। माधवी, माधवी, दरवाजे की घंटी बज रही है, कौन आया होगा? दरवाजा खोल के पता चलेगा ना कौन आया हो। रात के 1:30 बजे कौन घंटी बजा रहा है? माधवी, रात के 1:30 बजे कौन आया होगा? पटली लिस्ट नहीं है। अरे कौन है? बोलो तुम, क्या चाहिए, क्या काम है आपका? अरे अंदर कहाँ आ रहे हो? चलो जाओ। अरे नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते, छोड़, चलो यहाँ से। करते बंतु, ए प्लीज प्लीज, ए बघा इकडे काही नाही, तो बंदूक ने मी उगाच घाबरतोय। रे काय काय? मत कर चोरी।
पैसे दे। क्या चुराया मेरे पास, क्या चुराया? रुक रुक रुक। सपना था, मेरी तो जान ही निकल गई थी। देवा ऐसे बुरे सपने मत दिखाया कर, डर लगता है। डेढ़ बजे दरवाजे की बेल बज रही है। बेल बज रही है ओ। बेल बज रही है ना माधवी? पूछ कह रहे हो, कब से बज रही है? जाइए ना, दरवाजा खोलिए। अरे देवा, डेढ़ बजे दरवाजे की बेल बज रही है और ये सपना नहीं हकीकत है। भाई मेरा सपना सच तो नहीं हो रहा है? सोच क्या रहे हैं, जाइए ना दरवाजा खोलिए। अरे मैं सोच रहा हूँ माधवी, इस वक्त कौन आया होगा? दूध वाला होगा। अरे रात के डेढ़ बजे कौन सा दूध वाला आता है? ये दूध वाला नहीं है, ये पक्का चोर है। तुम्हारी बातें सुन ली होगी उसने। मैं बोल रहा था ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, सुन लिया उसने। वाह, चोर बेल बजा के आएगा, अंदर आके पूछेगा आपके घर में 35,000 की कैश है, कीमती सामान है 1.5-2 लाख का, मैं लेके जाऊं। कितनी बार बोलोगी? एक तो अभी भी मैंने सपना देखा है कि चोर आया और लूट के सब चला गया। वो सोसाइटी का कोई मेंबर होगा, इमरजेंसी होगी, जाइए ना दरवाजा खोलिए। अरे सोसाइटी का कोई मेंबर होता तो मुझे फोन करता ना, इतनी रात क्यों आता घर में? आप यही बैठिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। नहीं जाना है ना आपको? नहीं, रुको रुको, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, रुको रुको। अरे रुको माधवी, रुको माधवी, माधवी रुको रुको रुको। बाबा रात को कौन बेल बजा रहा है? चोर है। तो क्या बोल रहे हो? नहीं गो, नहीं बाड़ा, इनको सोसाइटी का कोई मेंबर होगा, इनको चोर लग रहा है। आप दरवाजा खोल रहे हो, मैं खोलूं? नहीं नहीं, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। इकड़िया इकड़िया, सपने में दरवाजा खोल के मैं पछताया हूँ। उस चोर ने मुझे धक्का दिया, फिर बेहोशी का स्प्रे मारा और सब कुछ लूट के चला गया। नहीं नहीं, जो गलती मैंने सपने में की थी ना, मैं दोबारा नहीं करूंगा। वो सपना था वो? अब यहाँ खड़े खड़े अंदाजे क्यों लगा रहे हो? आई होल से देखिए ना, पता चल जाएगा। हाँ ठीक है। चोर है। आपको कैसे पता चला? अगर सोसाइटी वाला होता माधवी, तो अपनी शक्ल क्यों छुपाता? मेरी बात मानो, वो चोरी है। अरे मुझे सपना जो आया था ना, वो भगवान का संकेत था कि चोरी होने वाली है, जाग जाओ। जाग तो गए है ना? जाग जाओ मतलब सतर्क हो जाओ। हाँ हाँ। लगता है वो लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई कर रहा है वो, लेकिन डरो नहीं, बाबा है तुम्हारा अभी। बस मैंने ठान लिया है, सपने मैंने जो नहीं किया वो मैं करूंगा, लड़ूंगा। क्या हो, लड़ने की वगैरह जरूरत नहीं है। भले ही हमारा सरनेम भिड़े है, लेकिन चोर से भिड़ने की जरूरत नहीं है, उसके पास हथियार होगा। मैं आपको अकेले लड़ने नहीं दूंगी, कर लो ना। अरे माधवी, मैं चोर से नहीं, अपने डर से लड़ने की बात कर रहा हूँ। आइडिया, मैं एक काम करता हूँ माधवी, मैं बालकनी में जाता हूँ, जेठालाल सूरी मेहता सबको बुला लेता हूँ यहाँ पे। हाँ दोस्तों, हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े बड़े ही खुश थे, लेकिन उनकी ये खुशी बिल्कुल मुट्ठी में बंद रेत की तरह टिकती नहीं है। देखिए ना, उन्होंने कितना भयानक सपना देखा कि चोर उनके घर में घुसा और सब कुछ चोरी करके ले गए,
और ठीक सपने की तरह दरवाजे की घंटी बजी है। ये कहीं खतरे की घंटी तो नहीं है, ये चोर है या कोई और है? भाई मुझे तो टेंशन हो रहा है, क्योंकि अगर ये चोर हुआ तो क्या होगा, क्योंकि भिड़े घर में इस वक्त अकेला नहीं है, माधवी भाभी और सोनू भी है। अब क्या होगा अगर भिड़े का सपना सच हो गया तो? कहीं भिड़े घर चोरी ना हो जाए, क्या चोरी होगी या ये चोर पकड़ा जाएगा? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आप अपने हाथ में रिमोट पकड़े रहिए, यानी रिमोट कंट्रोल, और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, मस्त रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।